हमने कल प्रीवियस क्लास में अडेप्टशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा था जो आपको पूरी तरह अच्छे से समझ में आया होगा अब हम पढ़ते हैं एडेप्टेसन एनिमल आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखे हैं उनके हैबिट्स देखी हैं उनके कैरेक्टर्स देखी हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखा है एज़ कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल द स्किन एंड अ बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल अपेयर टू अफ हैव अंडरग्राउंड चेंजेस टेरेस्टियर एनिमल के हिसाब से एक्वेटिक एनिमल की स्किन और बॉडी शेप में चेंजेस रहते हैं फिश हैव स्ल्स ऑन द स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी फिश की स्केल्स होते हैं बॉडी में और फिन्स होती हैं बॉडी में देअर बॉडी टेपर्स टूवर्ड बोट एड्स एंड लाइक अ स्पिनल उसकी बॉडी के टूवर्ड बोट साइड एंड में स्पेंडल्स होते हैं फिश ब्रीथ विध गिल इंस्टेंट ऑफ नोज़ फिश की नोज नहीं होती है वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है देअर आईज हैव ट्रांसपरेंट आईलेट्स दे हैव एयर ब्लैडर विद इन द बॉडी टू हेल्प दैम टू फ्लोट उसकी आईट में ट्रांसपरेंट आईलेट्स होती हैं और उनके एयर ब्लैडर के कारण वो फ्लो वाटर में इजी थ्री इजीली फ्लोट कर सकती है आप इनके कुछ क्वेश्चन देखेंगे ऑफ व्हाट यूज देयर लाइक्स टू दिस एनिमल अंडर व्हाट हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर ऑफ वॉट यूजिज आर द लॉन्ग हेंड्स लाइक ऑफ अ फ्रॉग वाइट डज नॉट द गेट विथ इन द वाटर इन सभी के क्वेश्चन आप नेट के थ्रू देख सकते हैं या आप खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द फ्रॉग एंड डक है वैप्टोस होती हैं फ्रॉग और डक्स की वैप्टोस होती हैं इस तरह से इनके जो लाइक्स रहते हैं लाइक दिस वैप टोज रहते हैं दे कैन यूज दियर लैक्स लाइक ओट्स वाटर फ्लो ऑफ द वैक्सी फैदर ऑफ बर्ड लाइक डर्क एंड वाटर हैं इनके वैक्सी फैदर होने के कारण ये बर्ड्स पानी में इजीली फ्लो करते हैं वैप टोज स्लिपरी स्मूथ स्किन एंड अ ट्राइंगुलर हैड हेल्प फ्रॉक टू स्विम ईजिली थ्रू वाटर फ्रॉक के वैप टोज स्लीप्री स्मूथ स्किन और ट्रेंगुलर हेड के कारण वो फ्रॉग ईजीली वाटर में स्विम कर सकता है दे कैन लीव एंड लैंड एज वेल एज इन वाटर टू देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन लैंड फ्रॉग की एक क्वालिटीज है कि वो एम्फीबियंस है वो पानी में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है उसकी पानी वाटर में स्किन के थ्रू वो ब्रीथ करता है और लैंड में नोज एंड लंग से वो ब्रीथ कर सकता है द टिपिकल कलर ऑफ फ्रॉग इज़ बैक हेल्प टू हाइड अमंग ग्रासेस और फ्रॉग का कलर ग्रासेस के वजह जैसा ही रहता है एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल कार्निवोरस एनिमल लाइक द वाइल्ड डॉग फॉक्स टाइगर एंड लॉय हैव स्ट्रॉन्ग लैग टू रन फास्ट एंड कैप्चर देयर प्रे कार्निवरस एनिमल वाइल्ड डॉग फॉक्स टाइगर लॉयन इनके सभी के स्ट्रॉग लेग होते हैं जो कि तेजी से भागने में और प्रे को पकड़ने में मदद करते हैं दे हैव क्लोज एंड देयर कैन टी एंड शार्प एंड पॉइंटेड उनके क्लोज और कैनिन टीथ शार्प रहते हैं पॉइंटेड रहते हैं जिससे वो अपने प्रे प्रे को इजीली फाड़ सकते हैं या काट सकते हैं टाइगर्स है पैडेड पॉज दीज एनेबल देम टू स्लाइटली स्टैग देयर प्रे एंड कैप्चर इट इजीली। टाइगर के पैडेड पॉज रहते हैं जिससे वो साइलेंटली जाता है और अपने प्रे को ईजीली कैप्चर करके पकड़ लेता है द आईज ऑफ प्रीडेटरी carnivores आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हैड इसकी आइज एकदम सामने की तरफ हेड पे रहती हैं इट हेल्प them टू स्पॉट their प्रे फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस जिसकी हेल्प से वो बहुत ज़्यादा दूर के भी से अपने प्रे को देख सकता है द eyes ऑफ herbivores आर बिलो द फोर जो हर भी बोरस एनिमल रहते हैं उनके बिलो द फोर हेड होती है ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड और हेड के दोनों साइड्स पर उनकी आईज रहती हैं दे गिव दैम वाइड एंगल विजन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रीडिएटर वो अपने वाइड एंगल के थ्रू अपने को मारने वाले से खुद को प्रोटेक्ट कर लेती हैं देयर लेग्स आर लॉन्ग एंड टैपरिंग विद स्ट्रॉन्ग हूफ्स उनके लेग लंबे टैपरिंग और इस्ट्रॉन्ग हूफ्स रहते हैं विच एनेबल देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग स्टेप जिसकी वजह से वो लंबे लंबे स्टेप्स ले सकते हैं देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन उनके लॉन्ग और मूविंग ईर्स रहते हैं जो साउंड रिसीव करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस और डिफरेंट डायरेक्शन तक रिसीव कर सकते हैं डर एंड ब्लैक बुक्स ब्लैक बुक्स हैव कलर दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग डियर और ब्लैक बुक अपने सराउंडिंग के अनुसार अपने कलर मर्ज कर लेते हैं देयर टीथ आर स्ट्रॉन्ग फॉर चोइंग प्लांट मटेरियल उनके टीथ स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्लांट मटेरियल को चाऊ करने में मदद करते हैं एडप्टशन इन डेजर्ट एनिमल डेजर्ट आर कैरेक्टराइज बाय सीवियर स्कैसिटी ऑफ वाटर डेजर्ट को हम बहुत कम पानी वाले वाटर वाले में कैरेक्टराइज करते हैं डेजर्ट एनिमल हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी डेजर्ट एनिमल की थिक स्किन होती है जो कि उसको लेस वाटर में प्रिवेंट करती है लेस वाटर होने के बावजूद भी उनको बॉडी प्रिवेंट रहती है द लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल्स उनके लेग्स लॉन्ग और कुशन सोल रहते हैं जस्ट लाइक कुशन के जैसे उनके सोल्स रहते हैं द नोस्ट्रिल आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन उनके नोस्ट्रेल स्किन से फोल्ड किए हुए रहते हैं द आई आर लॉन्ग एंड थिक उनके आई लंबे और थिक रहती है रेड स्नैक्स स्पाइडर लजार्ट इन डेजर्ट लिव इन डे परो ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट रैट स्नैक्स स्पाइडर लजार्ट इन डेजर्ट लिव इन डीप बरो बहुत अंदर तक डे टाइम में रहते हैं और एक्टिव होते हैं रात। अडेप्टशन इन एनिमल ऑफ स्नोई रीजन अब हम स्नोई रीजन के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे डाउनलोड याक पोलर बियर फाइट फॉक्स सिल्वर फॉक्स माउंटेन गॉड साइबेरियन हस्की डॉग एंड स्नो लेपर्ड ये सारे एनिमल्स हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं स्नोई रीजन में पाए जाते हैं अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर लॉन्ग हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑफ स्नोई रीजन से वाइट और सिल्वर बॉडी कलर लॉन्ग हेयर यह और इसकी स्किन ये स्नोई रीजन के एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं एडेप इन एरियल एनिमल द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंट ऑफ एयर विल फ्लाइंग स्पिंडल शेड के शेप की बॉडी होने के कारण बर्ड्स ईजीली एयर में फ्लाइंग करती है विथ होलोबोन्स अ बॉडी कवरिंग ऑफ फैदर एंड मॉडिफिकेशन फॉर फोर लेग्स इन टू विंग्स होलो बोन्स रहते हैं उनकी बॉडी फैदर से कवर रहती है और उनके फोर लेग्स विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं जिनके कारण वो बॉडी लाइट वेट होने के कारण ईजीली फ्लाइंग कर सकती है हवा में द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इन लाइट इन वेट इंसेक्ट की बॉडी भी लाइट वेट होती है एंड टेपस एट बोथ एंड और उनके टैपर्स रहते हैं बोथ हैंड में बट दे कैन फ्लाई विथ टू पेयर्स ऑफ विंग एंड ऑल्सो वॉक विथ सिक्स स्टिक लेग लेग दे कैन फ्लाई टू पेयर के विंग से वो फ्लाई करती है और सिक्स लेग से वो वॉक करती है बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पैंटिग्यूम अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर फोर लेग्स एंड हिंड लेग्स बैट अपने पैंटोग्विन से फ्लाई करती है और उसके जो थिन फोल्ड स्किन रहती है फोर लेग्स और हिंड लेग्स के पास एडेप्टेशन इन ड्रैपटाइल्स स्नेक्स एंड अर्थवर्म क्रीप ये सारे विच इनके ऑर्गन डू. एनिमल लाइक हाउस लिजार्ट गार्डन लिजार्ट टोकोडाइल ये सारे मसल्स फॉर यूज देअर मसल्स फॉर क्रीपिंग ये सारे एनिमल्स मसल्स का यूज करते हैं क्रीपिंग के लिए सिमिलरली दे सो एडेप्टन इन स्किन सोल ऑफ फीट बॉडी कलर ये अपने को अडेप्टशन के अनुसार अपनी स्किन फीट सोल बॉडी कलर चेंज कर लेते हैं द हाउस एंड अ मोनिटर लेजार्टेव क्लोटोज एंडर इज स्नै है स्कैली स्किन जैसे लेजार्ट और मोनिटर लेजार्ट की जो स्किन है वो क्लोटोज रहते हैं थिन सोल रहते हैं और स्नैक की स्कैली स्किन रहती है। अडपटेशन फॉर फूड इन एनिमल वी कैन कैटेगराइज हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस स्पेशल अडेप्टेसन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी हमें पता है हमने फूड हैबिट के हिसाब से हरबी वोरेस और कॉर्नी वोरेस देखे हैं ये सारे इन सारों का जो ग्रेटर डिटेल चैप्टर न्यूट्रीशन में हम आगे डिस्कस करेंगे अब हम देखते हैं कि अडेप्टशन फॉर ब्लेंडिंग ब्लैंड विद द सराउंडिंग वी कैन नॉट ईजिली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाई लिजार्ट एंड ग्रासोपर हम इजीली कलरफुल बटरफ्लाई लिजाट और ग्रासोपर को देख इजीली नहीं मिल पाती दे गैट कम यूफिलाइज एंड एमिडेस ग्रासिस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम लीफ फ्लावर एक्सेट्रा दैट इज बिकॉज देयर कलर ब्लैंड विद दो ऑफ देयर सराउंडिंग क्योंकि ये सारे ग्रास के पार्स ऑफ प्लांट के जैसे ही स्टैम लीव्स फ्लावर के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेते हैं चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल टू लीव फीड रिप्रोड्यूस टू प्रिचर डेमसेल एंड प्रोटेक्ट देमसेल फ्रॉम द एनिमीज एंड स्पेसिफिक सराउंडिंग इनके वेरियस ऑर्गन में चेंजेस के कारण ये ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस डिफरेंट रहता है वो इजीली लीव करते हैं अपना खाना तथा रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने को अपने एन अपने एनिमी से प्रोटेक्ट रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेड ग्राफिकल कंडीशन और अपनी हैबिट के अनुसार और ग्राफिकल कंडीशन के अनुसार ये अपने आप को इजीली चेंज कर लेते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल के बारे में रिसर्च की थी और सजेस्ट किया था दैट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सरवाइव विच कैन बेस्ट डेमसेल्फ़ टू चेंजिंग एनवायरमेंट जिन्होंने ये बताया था कि एनवायरमेंट के चेंजेस के अनुसार किस तरह प्लांट एंड एनिमल अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं दिस इज अल्ड थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फाइटस्ट दिस इज द डारविंस चार्ल्स प्रिंसिपल इन्होंने ही सर, एक थ्योरी निकाली थी सर्वाइवल ऑफ़ द फाइट जिसे डॉर्विंस की फर्स्ट प्रिंसिपल कहा गया इफ़ एन ऑर्गेनिज्म इज बोथ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव दिस चेंज प्रजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन अगर किसी ऑर्गेनिजम में बर्थ से ही कोई बेनिफिशियल कैरेक्टरस्टिक है सर्वाइव करने के लिए तो वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होती है प्रजर्वड रहती है this is the noun second principle and is called the theory of natural selection Ye charles second principle is a natural selection classification of living organism why are living thing classified which are the criteria used for classification and plantation of animal इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू स्टडी द रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम सो नीड ऑफ द क्लासीफिकेशन हेल्पेक्ट हमें एकदम ईजी नहीं पड़ता है इन सबको याद रखना इसलिए क्लासीफिकेशन किया गया है डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटीरिया एंड इंडिपेंडली क्लासीफाइड प्लांट एंड एनिमल हर साइंटिस्ट ने अपने क्राइटीरिया और अपने हिसाब से प्लांट एंड एनिमल को डिफरेंट किया है अ हायर्ची एज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी स्टार्ट क्लासिफिकेशन किया गया किंगडम एनिमेलिया से और प्लांटी से फर्दर ग्रुप बनाए गए और सर ग्रुप आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड द हायर्ची ऑफ क्लासीफिकेशन उनकी कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलरिटी और डिफरेंस के हिसाब से अलग अलग क्लासी कैटेगरीज बनाई गई जिसे नाम दिया गया हायर्ची ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ आपका एक टेबल चार्ट दिया है हायर्ची जैसे मैंगो ह्यूमन किंगडम प्लांटी एनिमेलिया फाइलम एंटोफाइलिया कार्डोडोटा क्लास डायोक्टोडेन मैमिलिया order spandels primates family anacardiasis hominidae genus Mangifera, homo species indica and spines binomial nomenclature by carl linnaeus imagine that there are a four students with the name kabir kiran in a classroom If you are talking about any one of them, how would you ensure that other know which one of them you are talking about without any confusion? We would tell the full name, the first name and the last name. जिस तरह से अगर कोई एक सेम नाम के बच्चे हैं, तो हम उनको क्लासिफाइड उनके सरनेम के अकॉर्डिंग करते हैं. Same as binomial nomenclature is used to identify each organism.

ऑल आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम हैल नेम एस पैरस द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमिन कल्चर ऑल द ऑर्गेनिजम ऑफ स्पीसीज आर सो सिमिलर दैट इज रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन कलर हाइट हैबिटेट एंड हैबिट अगर किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज सेम है तो उनको कलर हाइट हैबिटेट और हैबिट्स के डिफ्रेंसीट से डिफरेंट किया गया They can reproduce among themselves and from new individuals like themselves. For example, all domestic cats in the world belong in the same species. The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc., and plant like mango, wheat, maize, etc. Some of the examples of organism is clangin, plantae and aneulia classified by the binomial method of nomenclature. culture. Dog, canis, lupus, familiaris, cow, bose, taurus. hibiscus, hibiscus, rosa, sinuses, joar, Jwa, Sorghum bicolor. ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल इज ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड फ्रॉक प्रोटेक्शन डे ट्वेंटी नाइन्थ अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड फ्रॉक प्रोटेक्शन डे किलिंग और हार्मिंग फ्रॉक इज़ प्रोहबिटेड बाई द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये डे फ्रॉक को किलिंग और हार्मिंग से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया और एक ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म होता है थैंक यू